आज मैं आपके साथ डाइसन की V11 अलेवन मशीन शेयर करूंगी इसके साथ बहुत सारी अटैचमेंट्स है हर एक अटैचमेंट को यूज करूंगी आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे हर एक अटैचमेंट को यूज करना है आज मैं इस वैक्यूम को रिव्यू भी करूंगी एंड हर एक डिटेल आपके साथ शेयर करूंगी टू सी लेट्स गेट डीन टू वीडियो अब मैं डाइसन की बी एलेवन वैक्यूमी को अनबॉक्स करूँगी यू कैन सी कितने अच्छे से हर एक चीज़ वेल पैक है एंड मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी अनबॉक्सिंग के लिए एंड आप देख सकते हो इसके साथ बहुत सारी अटैचमेंट्स हैं एंड हर एक अटैचमेंट को मैं आज यूज़ करूँगी सबसे तो पहले आपको इसको चार्ज करना पड़ेगा जो वायरलेस है एंड इसके साथ चार्जिंग पोर्ट आता है इसे आप स्क्रू कर सकते हो वॉल पर जहाँ आप हमेशा इसे चार्ज करना चाहते हो जब ब्लू लाइट ब्लिक करती है तो मिनट यह चार्ज हो रही है जे थ्री एंड हाफ आवर से लेकर फोर आवर्स तक लेती है अपनी स्प्रिंग की क्लीनिंग करूंगी एंड आपके साथ शेयर करूंगी इसने मेरी लाइफ इजियर बनाई है या नहीं इस अटैचमेंट से आप अपना फर्नीचर चेयर खाउच सोफा सारा कुछ अच्छे से क्लीन कर सकते हैं ये अटैचमेंट तो बहुत ही यूजफुल है ये सोफ़े के अंदर तक जाती है एंड हर एक क्रम को क्लेक्ट करती है इस अटैचमेंट को आप वहाँ यूज़ कर सकते हो जहाँ आपकी बड़ी वैक्यूम नहीं पहुँच सकती एंड इसे आप डिटेल में चीज़ें क्लीन कर सकते हो ईच एंड एवरी कॉर्नर बहुत ही अच्छे से करती है बेस बोर्ड इससे क्लीन कर सकते हो एंड आई एम लविंग इट सोफ़ा मैं हमेशा चाहती थी कि मेरी किचन के लिए कोई ऐसी वैक्यूम हो जो मेरी किचन पैनेट्री किचन की चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर दे मुझे बहुत सारी चीज़ें मूव ना करनी पड़े सो so, ऐसे ही मैं अपनी पैनेट्री को क्लीन कर लेती हूँ बहुत सारे क्रम्स हो जाते हैं पैनेट्री में राइट सो so, आपको बहुत सारी चीज़ें मूव नहीं करनी पड़ती जस्ट लिटिल विट कंटेनर को मूव करें एंड जे अपना वर्क कर देती है इस सेम अटैचमेंट को अगर आप लॉन्ग हैंडल के साथ यूज़ करते हो तो लाइफ ही चेंज हो जाती है इसे आप हायर एरिया पे यूज़ कर सकते हो आपको कोई भी स्टेप स्टूल और लैडर की ज़रूरत नहीं पड़ती एंड इससे आप बेसबोर्ड, विंडो एंड विंडो शटर्स ईजिली क्लीन कर सकते हो एंड ऐसे डस्टिंग करके फिर आप वाइप कर दें अच्छे से आपके शटर जो क्लीन हो जाते हैं एंड ईज़ीली आप अपनी सीलिंग्स क्लीन कर सकते हो समटाइम्स स्पाइडर वेब्स हो जाते हैं राइट सो इससे आप ईज़िली हायर पॉइंट पर पहुँच सकते हो विदाउट एनी स्टेप ऑर्स टू सेम अटैचमेंट से आप अपने डक्ट के जितने भी फ़ैन हैं उनको क्लीन कर सकते हो इवन एग्जॉस्ट फैन जो आपके वॉशरूम में होता है उसे हमेशा क्लीन करें एंड बहुत इजी है आपको अगेन स्टेप स्टूल की जरूरत नहीं पड़ती लॉन्ग इनफ है इसका हैंडल आप इजीली रीच कर सकते हो इससे आप अपनी लाइट फिक्चर्स भी क्लीन कर सकते हो अगर आप नीचे झुकना नहीं चाहते तो इससे ही आप अपने बेसबोर्ड क्लीन कर सकते हो अब मैं इस अटैचमेंट को यूज़ करूँगी इसे आप अप अपनी कार में भी यूज़ कर सकते हो बट इसे मैं अपने ड्रोर्स में यूज़ करूँगी आपको ज़्यादा चीज़ें रिमूव नहीं करनी पड़ती आप स्पून फोर्क ऐसे निकाल के ड्रॉर्स को क्लीन कर सकते हो आई रियली लव इट क्योंकि इसमें बहुत सारे क्रम्स हो जाते हैं एंड हम इसे एवरी डे यूज़ करते हैं इसलिए सो so ऐसे आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें निकाल के क्रम्स को क्लीन कर सकते हो अब मैं इस अटैचमेंट को यूज़ करूँगी एंड इसको यूज़ करना भी बहुत ईजी है एंड बहुत जगह आप इसे यूज़ कर सकते हो अगर आपकी स्टेयर्स पे कारपेट है तो बहुत ही यूज़फुल होगी मेरे पास कारपेट नहीं है हार्डबोर्ड है एंड जहाँ भी बहुत अच्छे से ये क्लीन कर देती है स्मॉल एरिया में आप इसे यूज़ कर सकते हो रग्स एंड जो हमारे छोटे मैट्स होते हैं उनको क्लीन करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो एंड इसको मैं स्टेयर पर यूज़ करती हूँ एंड इसे मैं अपनी गाड़ी में यूज़

किचन को थोड़ा सा क्लीन करूंगी एंड सारे जितने भी क्रम्स हैं हम फ्लोर पे फेंक देंगे एंड उसको टेस्ट करेंगे ये रॉड एक्सटेंड हो जाती है एंड इसको मैं अटैच करूंगी पावर हैंडल के साथ एंड इन अनदर एंड आप इसका पावर हेड अटैच कर सकते हो अब इसे मैं ट्राई करूँगी एंड देखूँगी कि कितने ये क्रम पिक करता है मैं इसे हैप्पी हूँ या नहीं इसको रिव्यू भी करूँगी इस टी ठंड रहना ओके सबसे पहले इसे मैं अपनी किचन में यूज़ कर रही हूँ किचन में बहुत सारे क्रम्स होते हैं इसे मैं अपनी टाइल्स भी यूज़ कर रही हूँ ये टाइल फ्लोर को बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है एंड द मेन थिंग जो मुझे इसमें अच्छी लगी आप टाइल फ्लोर से स्ट्रेट हार्डवुड पे जा सकते हो आपको कोई भी नदर अटैचमेंट की जरूरत नहीं होती एंड स्ट्रेट हार्डवुड से आप रग पे जा सकते हो जी टाइल फ्लोर हार्डवुड फ्लोर एंड रग्स को बहुत ही अच्छे से डी क्लीन करता है एंड आपको कोई भी एडजस्टमेंट और कोई भी अटैचमेंट की जरूरत नहीं हो ये मशीन ऑटोमेटिकली ही एडजस्ट कर लेती है अकॉर्डिंग टू सरफेस आप कहाँ यूज़ कर रहे हो अगर आप रग पे हो तो उसके अकॉर्डिंग ये चलती है एंड इसे आप ऑटो पे भी सेट कर सकते हो अनदर ग्रेट थिंग जो मुझे इस मशीन में लगी आप अंडर द काउच इसे इजीली रीच करके क्लीन कर सकते हो बहुत ही अच्छे से जो अंडर द सोफ़ा चल जाती है अंडर द फर्नीचर एंड इजीली आप उन एरिया पे जाके क्लीन कर सकते हो इस वैक्यूम में थ्री सेटिंग हैं इको ऑटो मिड एंड बूस्ट इसे आप सेलेक्ट कर सकते हो जब आप इसे ऑन करते हो ऑटोमेटिकली ऑटो पे मिड पे आ जाती हैं एंड मैं इसे हमेशा पे चलाती हूँ बस इस बटन को प्रेस करके आप सेलेक्ट कर सकते हो इको पे आपको ज़्यादा बैटरी लाइफ मिलती है एंड परफॉर्मेंस सेम ही होती है बूस्ट पे और ज़्यादा तेज़ हो जाती है जहाँ आपको चाहिए लाइक बहुत ज़्यादा गंद है और रग पे यूज़ करना चाहते हो तो बूस्ट यूज़ कर सकते हो स्मॉल एक्सेसरीज़ को आप ऐसे अटैच कर सकते हो जितना भी वेस्ट होता है इस गैंगस्टर में कलेक्ट हो जाता है अब इसको क्लीन कैसे करना है जस्ट इस बटन को प्रेस करना है रिमूव करने के बाद इसके साइड पे एक रेड बटन है उसको रिलीज करना है एंड इसको एमटी कर लेना है जे बहुत ही इजीली क्लीन हो जाता है एंड आप देख सकते हो कि इसमें कितनी डस्ट है हेयर है बहुत ही अच्छे से ये हर एक चीज़ को करेक्ट कर लेता है ऐसे आप इजीली इसको क्लीन कर सकते हो नाउ टाइम टू रिव्यू दिस मशीन इससे आप इजीली रीच कर सकते हो हर एक एरिया पे हाइट पे एंड इसकी सारी अटैचमेंट्स बहुत ही अच्छे से वर्क करती है लाइक डीप क्लीन करती है छोटी सी छोटी चीज़ पर आप इसे यूज कर सकते हो इससे आप अपनी गाड़ी क्लीन कर सकते हो नदर ग्रेट थिंग अबाउट दिस वैक्यूम आप इससे किसी भी टाइप की रग क्लीन कर सकते हो शैगी एंड एनी टाइप ऑफ रग सो बहुत अच्छे से क्लीन करती है एंड नदर ग्रेट थिंग जो मुझे बहुत अच्छी लगी आपको कोई भी अटैचमेंट चेंज करने की ज़रूरत नहीं आप स्ट्रेट टाइल से हार्डवुड पे आ सकते हो हार्डवुड भी बहुत ही अच्छे से क्लीन होता है एंड और कोई भी अटैचमेंट ज़रूरत नहीं है चेंज करने की स्ट्रेट आप रग पे जा सकते हो इससे आप अपनी कारपेट रग कुछ भी क्लीन कर सकते हो इसमें थ्री ऑप्शंस हैं जैसे मैंने शेयर किए हैं ऑटो इको एंड बूस्ट उसे आप यूज़ कर सकते हो अगर आप रग पे करते हो जे वायरलेस एंड रिचार्जेबल वैक्यूम है एंड स्क्रीन पे ही आपको सब कुछ पता चल जाता है कितना टाइम लेफ्ट है इस मशीन पे एंड कब आप इसको चार्ज कर सकते हो सब कुछ आपको स्क्रीन पे पता चल जाता है इस मशीन को हर एक सरफेस पे यूज करना बहुत ही इजी है एंड इसका हैंडल बिल्कुल भी हैवी नहीं है मैंने बहुत सारी वैक्यूम्स को ट्राई किया है बट दिस इज़ really good. इस मशीन को मैं पर्सनली फोर मंथ से ट्राई कर रही हूँ एंड सो फार आई एम लविंग दिस मशीन एंड एवरी डे मेरी लाइफ इतनी ईजी हो जाती है हर एक काम टाइम पे हो जाता है बहुत ही कम समय पे, एंड अदर मशीन्स के पाइप मैं खींचती थी बट ये वायरलेस है एंड इसका कोई भी पाइप नहीं है मैं इसे दिन में दो बार यूज करती हूँ अपने लिविंग एंड किचन एरिया में एंड ये मुझे वीक और समटाइम मोर देन वीक एवरेज दे देती और इसकी बैटरी इतनी जल्दी फिनिश नहीं होती जिस स्क्रीन पे आपको बता देती है कि कब इसको चार्ज पे जाना है एंड फाइव मिनट पहले ही आपको बताती रहती है एंड अब मैंने कर लिया है क्लीन एंड एंड मैं करूँगी मॉप सो so, इस ने मेरी लाइफ बहुत ही ईजी बना दी है एंड मैंने अपनी स्प्रिंग की क्लीनिंग भी कर ली है एंड मैं होप करती हूँ कि आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे लगे होंगे हर एक चीज़ मैंने डिटेल में शेयर की है अगर स्टिल आपके पास कोई भी क्वेश्चन है अबाउट दिस वैक्यूम दैन डो फरगेट टू कमेंट ऑन ब्लो मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगी